हेलो बच्चों, 27 जनवरी 2024 शिफ्ट वन के पार्ट वन और पार्ट टू का सलूशन आपने देख लिया होगा और यूट्यूब पर वीडियो काफी वो वायरल हो रहा है, तो आप देख लीजिए। अब हम पार्ट थ्री में जा रहे हैं जहां हम 11 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे। तो मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये चांद के द्वारा जो ये बुक आई है जेई मेन मैथमेटिक्स की PYQ, जिसमें 104 NTA के क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं लास्ट 5 ईयर में वो सारे दिए गए हैं, उनके पूरे सॉल्यूशंस दिए गए हैं और इसमें एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, ये स्कैन कोड दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको जनवरी सेशन में, जो 2024 के जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सभी का वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप तुरंत से इसको स्कैन कीजिए और वहां से आप जनवरी सेशन के वीडियो सोल्यूशन देखिए आप यहाँ पे। तो इसके साथ हमारे पास मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी जेई मेन की PYQ आई है, उसमें भी सेम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, 104 NTA के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और पूरे क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हुए हैं, 100% सोल्यूशन। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं, 11th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है। 10 तक हमने पार्ट वन और पार्ट टू में कवर कर लिया है, तो अब 11 से देखने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जनवरी सेशन में जो आया था 27 जैन के पेपर में शिफ्ट वन में, एक इलिप्स दिया हुआ है और द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द इलिप्स दिस हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5 इज इक्वल टू। तो इसमें क्या बताना था आपको, कॉर्ड की लेंथ बतानी थी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल था, लेंथी था कैलकुलेशन में, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से इसको करना चाहिए। तो आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इलिप्स दिया हुआ है, तो यहां से हम कॉर्ड की इक्वेशंस निकाल सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट्स की हेल्प से हम कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टी इज इक्वल टू एस वन, यानी एक्स एक्स वन डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, जो भी आगे होता है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, किसकी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। और यहां से अगर हम वाई कैलकुलेट कर लें, यहां से हम y कैलकुलेट कर लें और उसको हम इलिप्स के इक्वेशंस, उसको हम इलिप्स के इक्वेशंस में रखें x1 y1 को, तो ये इलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड है हमारी, ये कार्ड जो है, देखिए यहाँ p पर भी इलिप्स को कट कर रही है और q पर भी इलिप्स को कट कर रही है। तो इस इक्वेशंस के द्वारा जो पॉइंट बनेगा, अगर उस पॉइंट को हम इक्वेशंस में रखेंगे तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा बट हमें इसके रूट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, रूट का डिफरेंस निकालना है, x1 -x2 डिफरेंस निकालना है। जो एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाए हमारे पास, तो हम उससे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहां से मिल जाएगा और फिर पी क्यू के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा देना है आपको और सिंपल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना है। और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ x1 -x2 जो आपने यहाँ से रूट 19 कैलकुलेट किया है उसको पुट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंथी था, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन 2 सही है, इसमें ऑप्शन 2 सही है, यानी ऑप्शन B सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टेक्निक लग रही थी, वरना ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन अच्छा था जो बाइनोमियल कोफिशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्या दिया हुआ है, ए डिनोट्स द सम ऑफ द कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में ए क्या है, सम ऑफ द कोफिशियंट है। और आपको पता है कि सम ऑफ द कोफिशियंट कैसे निकलता है, अगर हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास सम ऑफ द कोफिशियंट हमेशा निकल आता है। तो 3 × 1 प्लस 10 × 1² और यहां पावर एन है। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 - 3 प्लस 10^n, दिस इज इक्वल टू 8^n। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 2^3^n। ठीक है, इसी तरीके से b क्या है, b सम ऑफ द कोफिशिएंट दिस है, तो इसमें भी हम अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1^n, यानी ये कितना हो गया, 2^n। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2^n^3, और 2^n क्या है हमारा, b है, तो b³। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया, a = b³।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये क्वेश्चन जरूर आपको करना चाहिए था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जहां एक प्रोग्रेशन हमारे पास ये दी हुई है 4, 9, 14, 19 दिस, और एक प्रोग्रेशन हमारे पास ये दी हुई है, और ये 37th टर्म तक है और ये 25 टर्म्स तक है। ठीक है, तो उसने पूछा है द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो एक तो इसको बहुत आसानी से, अगर कुछ भी ना आता हो तो ये इतना आसान क्वेश्चन था कि आप इसके पूरे टर्म्स लिख सकते हैं और वहां से भी आपको कैलकुलेट करने से मिल जाएगा कि आपके कितने कॉमन टर्म्स हैं। तो चाहे तो आप इसके पूरे टर्म्स लिख डालिए, पूरे से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको 25 टर्म्स लिखना है और इसको 37 टर्म्स तक लिखना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है निकाल लीजिए और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, और पहला जो कॉमन टर्म है वो है 9, देखिए दोनों में। ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सीडी वो क्या है, 5 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस सीडी है वो क्या है, 3 है, और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 3 और 5 ये कितना हो जाएगा, आपको पता है 15 हो जाएगा। और पहला टर्म्स अगर 9 है तो क्या होना चाहिए, पहला टर्म्स अगर 9 है इसमें कॉमन है तो सीरीज किस तरह की बनेगी, 9, और अगला टर्म्स क्या बन जाएगा जा करके 24, और फिर इसमें 15 ऐड हो जाएगा 39, ऐसे करके आपको करते जाना है। ठीक है, और इसमें क्या करना था आपको, कितने ये सब कॉमन टर्म्स है, ये सब कॉमन टर्म्स है, इस तरीके के टर्म्स जितने भी हैं ये सब कॉमन टर्म्स है। तो किसी एक सीरीज का हम इसमें जैसे 37th टर्म निकाल लेते हैं और इसमें 25th टर्म निकाल लेते हैं, तो दोनों का सीडी पता है, तो अगर हम इसका 37 टर्म निकालेंगे तो जरा देखिए क्या निकल के आएगा, 3 + 37 - 1 × d, d भी कितना है 3, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 36 × 3, और इसको कैलकुलेट करिए, 3 × 6 = 8, 3 × 3 = 9, 108 हो जाएगा ये, और 3 पहले से लगा हुआ है इसमें, तो कितना हो गया 111 हो गया। इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो ये टर्म, इसका टर्म्स ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम इतने टर्म्स तक जाना है, जब आप कॉमन काउंट कर रहे होंगे ना 9, 24, 39, तो यहां से जाकर के आपको मिनिमम 181 तक जाना है। तो आपको क्या करना है इसमें कि 9 + (n-1)d, This must be less than or equal to 111. अब 9 + (n) तो आपको कैलकुलेट करना है, n तो आपको कैलकुलेट ही करना है, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस से आपने निकाल लिया है, कितनी है 15 है, this is equal to 111 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो (n-1)(15) = 9, यहां से निकल जाएगा तो 102 बचेगा। सो (n-1) = कितना आ गया, 102 / 15, so this is equal to 6 + something आएगा, 6 + something आएगा, 6 whole number 12/15 आ जाएगा। और अगर इधर से हम ये वाला n इधर भेजेंगे तो n is equal to कितना आ जाएगा, 7 + something आ जाएगा, 7 + something आ जाएगा, जो 1 नहीं होगा। तो पूरे पूरे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप, ये सोल्यूशन दिया हुआ है, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y² = 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल (x²) + (y²) - (4x) - (16y) + (64) = 0 इज डी, देन डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, डी स्क्वायर पूछा उसने, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ना कि डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस नॉर्मल का इक्वेशन, अच्छा आप ये अगर आपका सर्किल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके सेंटर 2, 8 है, सर्किल का इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको सर्किल का सेंटर मिल जाएगा, 2, 8 है और उसकी रेडियस कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा, जो नॉर्मल होगा, जो जो पैराबोला पे जो नॉर्मल है ना, ये इसका डायमीटर उसी के अलॉन्ग होगा, तभी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो अगर हमें ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाए, और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y = mx - 2m - am³ होती है, जहां a कहां से आया है, जो y² = 4x हमारा पैराबोला दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 4ax से कंपेयर करेंगे,
तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे। और ये कहां से पास हो रहा है, ये नॉर्मल पास हो रहा है सर्किल के सेंटर से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं तो एम की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, हम एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, उसको उठा करके हमने पैराबोला के इक्वेशन में रख दिया, उसको सॉल्व किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 4,4, एक्स के करेस्पॉन्डिंग वाई भी निकाल लेंगे। देखिए 4 के करेस्पॉन्डिंग जो 4 आ रहा है तो 4,4 और सी सेंटर की दूरी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। और इसका हमको स्क्वायर निकालना था, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है 20 आएगी, ना कि √20, ध्यान रहे यहाँ पर, क्योंकि डी स्क्वायर पूछा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिसको आपको करके ही आना चाहिए था एग्जाम में। तो आपका आंसर जो है आंसर 2 करेक्ट होगा यहाँ पे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि आंसर 2 करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड था और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा से कैलकुलेटिव था। तो जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है fx, fx क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट वो कह रहा था f ऑफ -x इज द इनवर्स ऑफ fx, वो ये कह रहा था। तो हमें क्या करना है, अगर हमको f ऑफ -x को fx का इनवर्स दिखाना है तो हमें क्या प्रूफ करना चाहिए, हमें प्रूफ करना चाहिए fx प्लस f ऑफ -x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स है। तो यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके f ऑफ माइनस एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, और वो भी एक मैट्रिक्स होगा। और फिर क्या करना है, दोनों का सम निकालना है, और अगर वो जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये f ऑफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स का इनवर्स है। तो यहाँ पे ये जीरो आएगा, आप इसको करके देखिए, ये जीरो आएगा, इन दोनों का सम आप इसको करके देखेंगे तो ये जीरो आएगा, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। और स्टेटमेंट सेकेंड तो बहुत ही बार रिपीटेड टाइप का है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स में जहां जहां एक्स होगा हर जगह पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्स प्लस वाई अगर हो जाएगा सभी जगह तो साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाना है और बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको कैलकुलेट कर देना है, दोनों अलग अलग आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रखा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला गया है और यहाँ एफ ऑफ इनवर्स हमने निकाला है, डायरेक्ट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हमने कैलकुलेट किया और दोनों को हमने यहाँ पे सम कर लिया, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है इस क्वेश्चन के, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी सही था, इसका ऑप्शन सी सही था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। तो इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आ गया था, एसटीपी से आ गया था, हल्का सा एसटीपी लगा था इसमें, बट कोई बहुत ज्यादा इसे परेशान होने वाली बात नहीं थी। आपको क्या करना था, यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता आपका ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। और इसको अगर आप चेंज कर सकें तो ये इसको क्या लिखा जा सकता है, ए क्रॉस सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ए डॉट सी आपको दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमारी हो गई जीरो, क्योंकि ए डॉट सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी दी हुई है। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा जो हमने कैलकुलेशन में करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास ये जीरो हो गई है और बी ए डॉट बी की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, ए डॉट सी आपको दी हुई है। तो अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं आपको तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है हमारे पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये फंक्शन का क्वेश्चन था, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एन माइनस वन मतलब नेचुरल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है, डोमेन से 1 हटा दिया गया है और कोडोमेन पूरा ले लिया गया है। तो एफ एन को कैसे डिफाइन, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 1, तो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 1 का प्राइम फैक्टर 1 होगा, तो एफ ऑफ 1 ये हो जाएगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 भी 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 का प्राइम फैक्टर हाइएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा,
एफ ऑफ फोर, फोर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए टू और फोर की सेम इमेज आ रही है, इसलिए ये वन वन ना होकर ये मेनी वन हुआ, ये क्वेश्चन मेनी वन हुआ। और अगर आप यहां से देखें तो यहां पे जो वन है, वन की इमेज प्री इमेज क्या आएगी, वन की प्री इमेज वन आएगी, वन की प्री इमेज वन आएगी, लेकिन वन तो यहाँ पे है नहीं है कोडोमेन, डोमेन में वन तो है नहीं, तो इसलिए ये मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। मेनी वन इनटू फंक्शंस कौन सा है, तो ये नाइदर वन वन है और ना ये अनटू है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन और आपके पास दिया हुआ है जिसमें से चेक करना है कि जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और सेट किस तरीके से है, रिलेशन में किस तरीके के ए और बी दोनों जो है नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो ए और बी इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका भी आंसर बहुत आसानी से आप कर सकते थे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव कोई भी सेट होगा उसका इंटरसेक्शन अपने के साथ तो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि वो ए आएगा, और ए क्योंकि हमारा नॉन एम्प्टी होगा तो ये तो नॉन एम्प्टी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा हमेशा, ठीक है। अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर नॉन एम्प्टी है तो क्या बी इंटरसेक्शन ए भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है तो जरूरी है कि बी इंटरसेक्शन ए भी नॉन एम्प्टी होगा, यस डेफिनेटली बी इंटरसेक्शन ए भी नॉन एम्प्टी होगा यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी हो और बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो तो क्या गारंटी है कि ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहां मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। सपोज आपने ले लिया ए इज इक्वल टू वन टू थ्री और बी इज इक्वल टू आपने ले लिया टू थ्री फोर, ऐसा ले सकते हैं, और सी इज इक्वल टू आपने ले लिया फोर फाइव सिक्स। तो देखिए यहां से ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या कॉमन है, टू और थ्री कॉमन है, और बी इंटरसेक्शन सी ये भी आप देखिए यहां से बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है आपके पास, फोर कॉमन है, बट ए ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये क्या है, ये केवल ये केवल सेट। अच्छा यहाँ पे अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो ये इनका इंटरसेक्शन जो है नॉन एम्प्टी आएगा। यहाँ पे एक चीज ये संशोधन करने वाले, अगर एम्प्टी सेट ही हम ले ले तो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो नहीं कर रही, बाकी सारे सेट में ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है लेकिन एम्प्टी सेट में फॉलो नहीं कर रही, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये केवल सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये केवल सिमेट्रिक है, इसलिए इसका ऑप्शन फोर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था और इस पेपर में आपने देखा दो बार रेशनलाइजेशन की बात आई है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, केवल रेशनलाइज करना है इस फंक्शन को, और रेशनलाइज करके सिंपल देखिए यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे आप तो प्लस माइनस से ये साइन को चेंज करेंगे, माइनस करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे आपको सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देना है, छोटे छोटे से कैलकुलेशन है ये कर देना है, यहाँ से आपको ए की वैल्यू तीन आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास माइनस टू बाई थ्री आ जाएगी और सी की वैल्यू आपके पास माइनस वन आ जाएगी, और आपको जो पूछा गया उसमें वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दीजिए, इसकी वैल्यू एट आ जाएगी, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन फोर सही होगा, क्योंकि इसका आंसर एट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर प्लस वन, दिस मीन्स n अपॉन आर प्लस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, एनसीआर कोई भी नंबर हो पॉजिटिव होता है, तो ये जब पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दिस मीन्स के स्क्वायर माइनस एट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, और अगर हम इन सारी कंडीशंस को लगाते हैं, ये दोनों कंडीशंस को लगाते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस एट इज इक्वल टू ये हो गया, बट
हम दोनों कंडीशन को अगर यहाँ इम्पोज करते हैं तो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी मिलती है, और अगर हम इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंटरवल मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा सही है वो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको करके आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस पार्ट में हम यहीं तक करेंगे, और ये हमारे एस चांद की तीनों किताबें हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इनमें 5 ईयर के 100% क्वेश्चन दिए गए हैं, 104 क्वेश्चन पेपर जो एनटीए ने कराया है पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ स्कैन कोड है फ्री वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए, तो आप इन किताबों को पढ़ करके देख सकते हैं। इनमें बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इन किताबों को जरूर यूज कीजिएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि एनटीए कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं, आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रहा आज का पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।